हाय दोस्तों, कैसे हैं? अभी मैं वापस आपके लिए पीसी जलोस पे अपडेट लेके आया हूँ। आज 15 तारीख है और कल क्लोजिंग इसने एक अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ परसों से ही अपसाइड चल रहा है, ये 2 दिन पहले से, और 83.80 पे दिया। हाई इसने बनाया था 88 का, लो इसका था 78 का और 88 का। तो 75 के बाद जैसे बोला था कि मैंने आपको पहले वीडियो में जाके देखेंगे, तो आपको एक बोला था कि 75 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ये एक अपसाइड ट्रेंड दिखाएगा। ट्रेडर का जो व्यू है वो अपसाइड में, ये ट्रेडर पॉइंट है। मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन बनाते रहिए। 60-65 पे आता है, लॉन्ग पोजीशन बनाइए। ट्रेडर के लिए जो भी पोजीशन बता रहा हूँ आपको, आप मेरे सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ ट्रेडर के लिए भी बात कर रहा हूँ। अभी भी इसमें जो डिलीवरी सिर्फ 5% की है, वो डिलीवरी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अब 9 लाख देखिएगा, 9 करोड़ 73 लाख का शेयर का अगर डिलीवरी ट्रेडिंग हुआ है तो आप देखिए सिर्फ 55 लाख शेयर का 5% का डिलीवरी हो रहा है। ये ट्रेडर गेम है और वो इसलिए हुआ, ये हुआ क्यों? तो एक न्यूज आया, पीसी ज्वेलर्स दी कंपनी नेट प्रॉफिट फेल 38% एट ₹39.7 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट घटा है 38% से, और इसके चक्कर में प्रॉफिट घटा और शेयर बढ़ा। तो सबने सोचा कि अब तो ये न्यूज से सबने शॉर्ट मार के बैठ गए होंगे, तो ट्रेडर को तो उल्टा ही चलना है। ये ट्रेडर गेम है पूरा, आपको पहले से ही बताता हूँ। सबने सोच लिया कि अब इसको तो और शॉर्ट मारेंगे, क्यों प्रॉफिट घटा तो मतलब क्या हुआ, कंपनी खराब हुई, खराब हुई तो सब लोग शॉर्ट मारेंगे, तो उसका उल्टा क्या करना चाहिए, इसको ऑफ कर देना चाहिए। तो इसको आप वैसे ही खेलिए, अगर खेलना है आपको तो वापस ये 65 आपको दिखाएगा। कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं करना, 200% या 500% दिखाएगा तो ये नीचे जाएगा, जाने दीजिए इसको। ये कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन देखिए गेम कितना अच्छा खेला इसने। न्यूज आया तो क्या हुआ, इसने अपसाइड ले लिया, अच्छा काम किया इसने। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बोली थी, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि 70 का कॉल लेने के लिए जो कि ₹3 पे चल रहा था, और 50 का पुट लेने के लिए जो कि ₹2 पे 40 पैसे या 60 पैसे पे चल रहा था। तो अगर आपने वो पोजीशन बनाई होगी तो आज देखिए 70 का कॉल ₹14 पे मिल रहा है। ये मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा न्यूज आएगा और उसको ऐसा ट्रेडर करेगा। मैंने आपको दोनों तरफ से स्ट्रेटजी दी थी, मेरे को था कि ये नीचे जाएगा, अगर नीचे जाता तो 60 पैसे वाला का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। अब और सेट अब क्या है, अब और क्या करेगा, एक और खेल खेलेगा, 100% खेलेगा। और वो क्या करेगा, ये देखिए, ये मैंने जो हाईलाइट करके रखा है ना, हो सकता है ये 107 को भी टच कराने की कोशिश करेगा, और लोग ट्रैप करेगा इसको, और वहाँ से ये अब इसका जो सेकंड लेवल है ना, ये इसका 108-109 रुपये के आसपास, ये अभी क्रॉस नहीं करना चाहिए मेरे अंदाज से। अगर ये भी क्रॉस करके दिखाता है और एक खेल होगा आपके पास 122 का लेके जाएगा। ये खेल ही चल रहा है, अब आपको किस साइड, अब देखिए न्यूज आता है खराब तो ये ऊपर चला जाता है। ये खेल में खेलना है आपको, फिर भी पीसी जुलूस में खेलना है, खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेडर के लिए वापस मैं बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म में इसको लॉन्ग पोजी, ये आपको शेयर हो सकता है 200-250 रुपये आपको 3 से 4 साल में देखने को मिल सकता है। उस समय आप बोलिएगा कि आपने तो बोला कि शॉर्ट मारो, तो कभी मारा ही नहीं, खरीदा ही नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर ये कंपनी चली आगे जा करके और अच्छा प्रॉफिट दे, आपको दिखाई दिया लास्ट वीडियो में जाके देखिए कि डिविडेंड दे रही है, सब पॉजिटिव उसका डिविडेंड दे रही है, तो खराब तो नहीं होगा। प्रॉफिट गिरा है ठीक है, क्रूड वगैरह बढ़ा था, रेट बढ़ा था, उस हिसाब से हो सकता है उसको बढ़ाओ। अगले प्रॉफिट हो सकता है जो आएगा, जनवरी का प्रॉफिट जो आएगा, हो सकता है वो बढ़ के भी आ सकता है, गोल्ड अपसाइड भी जा रहा है। तो जो भी होगा इंटरनल उनका मैटर है, हमें तो यहाँ ट्रेडिंग करना है, तो क्या करना चाहिए। अब देखिए इनके पास लास्ट चांस क्या है, लास्ट खेलने के लिए इनके पास क्या है कि ये 105 को एक बार टच करेंगे, यही है, उससे ऊपर तो जाना नहीं है। तो 105 टच करेंगे तो मतलब कि मैं कॉल साइड में ज़्यादा पोजीशन बना करके फंसना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए, कॉल साइड में लोअर वैल्यू का लेना चाहिए। और मेरे को पेपर ट्रेडिंग से, ये सारा पेपर ट्रेडिंग बता रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी 70 का लिया होगा 3 का 14, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि ये 3 रुपये का था, उधर 60 पैसे का था, तो मैंने आपको बोला था टोटल ये 1500 का लॉट था, तो आपको 3-4 हज़ार का इन्वेस्टमेंट लग रहा था वहाँ पे, जो भी था 230 का होगा, आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते। अब तो यहाँ से ऑलरेडी आपको 10 रुपये मिल गया, तो आप 15 हज़ार रुपये निकाल दिए, अब ये प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं इसको। अब ऊपर साइड चले जाइए, अब आज की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आगे की मुझे नहीं लगता कि 105 के ऊपर जाएगा, जाता है बहुत अच्छी बात, तो 105 के कॉल को ले लीजिए या 100 के कॉल को ले लीजिए। और जैसे कि मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कि छोटा इन्वेस्टमेंट करना है, डुबाने के लिए करना है,
डूब जाए तो प्रॉब्लम नहीं। अगर बहुत रिस्की ट्रेडेड है तो सेम रेट का आप कॉल पुट लिया कीजिए, जब भी लिया कीजिए। 82 है, आप 85 का लेके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। 4 रुपया यहाँ जाएगा और 7 रुपया 12 रुपया का इन्वेस्टमेंट है। मैं ये सजेस्ट छोटे आदमी में छोट ना करें तो अच्छा है, जिसको बहुत रिस्क लेना हो 85 का कॉल पुट लेके खेले, एट द मनी खेले अच्छा रहेगा। हाँ, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कम इन्वेस्टमेंट करके इसको पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 100 रुपया का आपको कॉल 1.85 रुपये मिल रहा है, और पुट साइड में देखेंगे आपको तो 75 रुपये का पुट आपको 3.20 रुपये पे मिल रहा है। तो आपको ये वापस 3.20 रुपये यहाँ 75 का पुट लेना है, और आप 95 का कॉल लीजिए, क्योंकि 100 भी पता नहीं जाएगा वो। 95 का कॉल लीजिए और 75 का पुट लीजिए, तो 3.20 यहाँ पे और 2.55 इधर, फिर ये 5-6 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 9,000 रुपये बिलो 10,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हो सकता है अगर मान लो ये किसी कारण से मेरे को जो बिलीव है कि नीचे साइड ज़्यादा जाएगा, तो आपको इस बार नीचे साइड का ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो आप 75 का अगर 3.20 में लेते हैं तो हो सकता है ये आपको वहाँ पे 60 जाता है, तो आपको 8-9 रुपये का वैल्यू भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी है। अभी जो ट्रेंड बता रहा है, एक बार अगर मैं ये देखूँ तो अब ये यहाँ पे देखिए, पहला लेवल जो मैंने आपको बताया था, ये इस लेवल को बताया था कि ये यहाँ पे इसको इस लेवल को 78-75 मैंने आपको बोला था कि ये क्रॉस नहीं करेगा, अगर करता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल 95 तक दिखाएगा, क्योंकि ये लेवल जो था वो इसका 92 का था। अब ये इस लेवल को क्रॉस कर गया, अब ये इस लेवल पे आ गया है। अब क्या यहाँ पे क्या है, अब देखिए वो ऑलरेडी क्लोजिंग दिया आपको 83 के आसपास, इसकी जो क्लोजिंग है वो है 83-80 पे। अब क्या करेगा ये, अब इस कैंडल को टेस्ट करेगा। ये कैंडल क्या है, इसका भी लो 83-95 है जहाँ पे वो क्लोजिंग दिया है, और 107 का हाई है, और ये 107 तोड़ेगा तो 122 जाएगा, इस कैंडल पे चला जाएगा, क्योंकि 130 का हाई है। तो अब जो नेक्स्ट रेसिस्टेंट है इसका, रेसिस्टेंस है ऊपर की ओर, वो 107 का है, 107। और मेरे अंदाज से जो भी हाई बनानी होगी कल लास्ट होगा इसका, कल एक बार और ये अपसाइड दिखा करके आपको कल सॉलिड नीचे लेके जाएगा, हो सकता है कल सेकंड हाफ में भी नीचे लेके चला जाए। तो मेरा अंदाज से एक दिन और खेल सकता है इसको, खेल लेने दीजिए कल भर, अब इससे ज़्यादा खेलेगा नहीं है। और 107-108 ये कैंडल का ब्रेकअप को नहीं तोड़ता है, और अगर यहाँ से इसको भी तोड़ के ऊपर जाता है और 130 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बुलिश पैटर्न बन जाएगा। लेकिन सिर्फ ट्रेडर बुलिश पैटर्न मुझे नहीं लगता कि बना पाएगा, ट्रेडर अपने पैसे को कहाँ तक फंसा के लेके जाएगा, और अगर लेके जाएगा तो किसी भी दिन निकालेगा तो सीधा वहाँ से ला के 60 पे खड़ा कर देगा, और ये फ्यूचर का है, कर सकता है। तो इसमें आपको खेलना भी है किसी को भी, तो कॉल पुट के थ्रू खेलिएगा, इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके नहीं खरीदिएगा। और अब चूंकि ये हाई लेवल पे है, इस लेवल पे मैं नहीं करूँगा, एवरेज भी कीजिए। अभी एवरेज करने का था 65 जब था वहाँ पे बोला था आपको, अब 83-85 पे एवरेज भी मत कीजिए, आपको वापस 60 पे मिलेगा, आपको वहीं पे लेना है। तो पीसी जलोस में अभी कोई एवरेज मत कीजिएगा, अब अभी एवरेज करने की जरूरत नहीं है, आपको एवरेज करना होगा तो ऊपर। हाँ, अगर आपको ये व्यू है कि 5 साल के लिए होल्ड करना है तो आप ठीक है, आप लीजिए, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है। लेकिन जब 60 पे आपने एवरेज नहीं किया तो अभी क्यों सोच रहे एवरेज करने के लिए, जब 60-65 पे लास्ट वीडियो दिया था वहाँ पे आपने एवरेज नहीं किया, तो आज भी एवरेज नहीं करना चाहिए आपको। अगर किया है तो आपको बुक प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। और अगर किसी ने यहाँ पे भी कॉल पुट में स्ट्रेटजी बनाई है तो उसके 70 के पुट को कॉल को बाहर निकालना चाहिए, पुट में तो अब छोड़ दीजिए, ऑलरेडी वो 25 पैसा का हो चुका है, उसके कोई फ़ायदा नहीं है आपको, उसको उस पर कोई वापस, और वापस 25 का एवरेज भी नहीं करना आपको, 50 का वापस एवरेज नहीं कीजिएगा। अगर किसी ने लिया है तो वापस 50 के एवरेज करने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी नया स्ट्रेटजी जो बन रहा है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं, 85 के कॉल पे सबसे ज़्यादा एडिशन हुआ है 7,06,000 का, और 11,00,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, और 90 पे 3,97,000 का, तो 12,76,000 का। अब ट्रेडर ने जो अपनी पोजीशन बनाई है वो मैक्सिमम 100 की बनाई है, 100 रुपया तक भी 10,62,000 है। तो ट्रेडर अब अनवाइंडिंग कर रहा ऊपर से, और ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं ट्रेडर का। और जो यहाँ पे भी देखेंगे पुट पे तो वो पोजीशन बनी है, किसने बेचा ही नहीं है, और वापस 70 पे, और सबसे ज़्यादा 80 के पुट पे, जहाँ पे अभी 82 पे है और लोग 82 पे ही सबसे ज़्यादा 6,93,000 का पोजीशन बना, सबसे ज़्यादा एडिशन 5,26,000 का 70 पे और 80 पे हो रहा है। तो लोगों को अब ये बिलीव है
हो सकता है कि ये यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एडिशन 80 पे बन रहा है ये पुट को शॉर्ट करके बना रहे हो, लेकिन वो रिस्की ट्रेडर होंगी, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, इसको कोई भी शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बाय करके चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको जैसे बताया बिलो 10,000 कॉल पुट का ऑप्शन 75 का, 75 आप 80 का अगर पुट ले सकते हैं, 5 रुपये 10 पैसे पे है, बहुत अच्छा है। और कॉल साइड में यहाँ जो पोजीशन बना रहा है 85 का ही बना रहा है, तो 85 आप 80 के पुट को 85 के कॉल को अगर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े लोग हैं तो 80 के पुट को और 85 के कॉल को, ये दोनों को आप चाहें तो 85 का कॉल आपको 4.95 पे मिल रहा है और 80 का पुट आपको 5.10 पे मिल रहा है। ये दोनों स्ट्रेटजी भी आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी एट द मनी के नियरेस्ट रहेगा क्योंकि 82 का नियरेस्ट है, ये अगर सही पूछे तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर यहाँ पे आपको लेना है तो 85 का कॉल लीजिए और 80 का पुट लीजिए। बाकी अगर किसी को कम पैसे में ट्रेडिंग करना है तो आपको जैसे बताया आप 100 से ऊपर जाएगा नहीं, तो 100 का कॉल लीजिए और नीचे अब पुट की ओर संभावना ज़्यादा है तो पुट की ओर नियरेस्ट रहना पड़ेगा, तो आपको 70 या 75 जो कि 2 या 3 रुपये में मिल रहा है और घट जाएगा ऊपर जाएगा, तो आपको ऊपर अगर जाता है, मान लीजिए कि कॉल ऊपर की जाता है तो आप नीरेस्ट पोजीशन बनाएगा, बेहतर रहेगा 80 का पुट लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। 80 का पुट लेंगे तो ये ऑलरेडी 3 रुपये में कल मिल जाएगा आपको, अगर मार्केट ऊपर गया तो 80 के पुट पर पोजीशन बना लीजिएगा। एक सिंपल सा मेरा ऑब्जर्वेशन था पेपर ट्रेडिंग के लिए, आपको कोई भी सलाह नहीं है कि मार्केट में आप डायरेक्ट पोजीशन बनाएं और गलती से भी नहीं बनाएं, बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। इसमें सिर्फ एक न्यूज़ था, इस न्यूज़ बेसिस पे ये जो भी दिखा रहा है वो है द कंपनीज नेट प्रॉफिट फेल 38% एट रुपीज़ 39.7 करोड़ रुपीज़, तो कंपनी का प्रॉफिट 38% गिरा है। अब इस न्यूज़ पे ये हाइक चल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज है 5%, 9,73,00,000 के शेयर में सिर्फ 55,00,000 की डिलीवरी हुई है, बाकी आप भी खुद जज कर सकते हैं। कॉल साइड में उनको मिला है पैसा, सबों ने जो भी कॉल साइड में था तो उनको फ़ायदा हुआ होगा, पुट साइड में लॉस हुआ है, गिरा है, अगर कोई शॉर्ट करके खड़े होंगे तो पुट साइड में फ़ायदा हुआ होगा, उनको भी फायदा हुआ होगा। तो बाकी 80-85 पे आप बना सकते हैं, 80 का पुट 85 का कॉल, ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसको लेकर के आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीसी जो लॉस वापस आपको 60-65 के नीचे हो सकता है आपको देखने को मिलेगा, मुझे बिलीव नहीं है कि 105 ये क्रॉस करेगा, 107 क्रॉस करेगा, ये जो कैंडल है इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये 108 रुपये ये क्रॉस अभी मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में किसी भी हालत में करेगा। और अगर मैं इसके एक मिनट, इनफैक्ट इसका देखेंगे तो 100 का जो डेमा 92 पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो इसको एक ही इसका, और वीकली कहें तो वीकली 92 है, वीकली 92 पे भी इसको अच्छा खासा 93 मतलब 95 ही क्रॉस करना है इसको, थोड़ा टफ है, 95 के बाद वो 108 है, वो दोनों क्रॉस करता है और 122 को टच करता है तो फिर एक आपको 132 155 भी देखने को मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल कहते हैं तो वो इम्पॉसिबल टारगेट है। तो बाकी ठीक है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पूछ के कोई भी पोजिशन बनाना चाहें तो मार्केट में बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।